वेलकम वेलकम बैक टू द मैं आपका अपना अजीत तरीम अहमद खान। तो कैसे आप सब लोग ठीक हो ना? तो आज मैंने सोचा कोई यार मैंने रोस्ट बना लिया, व्लॉग बना लिए। एक मैंने सोची थी वाइंस वगैरह, लेकिन उस पर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और उस पर से मतलब किसी को इंटरेस्ट भी नहीं होता। मेरे को सिर्फ इंटरेस्ट था और यूनिस को इंटरेस्ट था, उसके अलावा किसी को इंटरेस्ट दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा वो चीज़ को भी कैंसिल करते हैं। तो मैंने सोचा कुछ नया बनाऊँ, क्या बनाऊँ। फिर मैंने याद आया कि हम स्टोरी टाइम क्यों नहीं बनाते। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बेटा अंडे से निकले नहीं और पहले ही स्टोरी टाइम बना लेगा, तो भाई अंडी बंडी की बात नहीं है। मैंने सोचा स्टोरी टाइम बना लो तो बना लेते हैं। सो चलो शुरू करते हैं। तो ये मैं मतलब उस टाइम की बात है जब मैं न्यू जामशोरों पे आया था। तो मतलब समझिए मेरी उस टाइम एज शायद 10 या 9 के करीब होगी, तो 2015 या 14 की बात हो सकती है, उस टाइम की बात थी। तो अभी मेरी 16 एज 15 है, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि कब की एज है। सो तब हमें मतलब छोटे ही हुआ करते थे, बेसिक सी बात है। तो 2015 में जब हम न्यू आए, तो मैं सुबह रात शाम जैसे हम पहुँचे 5 बजे, तो मेरा ना बहुत दिल था बाहर जाने का, मेरा और यूनिस का। उस टाइम तो साथ रहते, तो हम दोनों बाहर देख रहे थे। मैंने कहा कहीं जाए ना। तो फिर मैंने प्लान बनाया, यूनिस को बोला मुझे जैसे ही कुछ एक फैमिली वाले कमरे में रूम में हो गए चाहते, किचन वगैरह चाहते, हम दोनों भाग चलेंगे बाहर देखेंगे या फिर घूम फिर के आएंगे। ठीक है, हमको उस टाइम घूमने का बहुत शौक था। ठीक है, तो मैं और यूनिस जैसे निकले ऐसे सीधा, जैसे ही बाहर गए ना मतलब निकलने वाले, तो मेरा एक भाई आ गया। तो उसने मुझे ऐसा सुना है, हमें कहाँ जा रहे हो बाहर, अभी टाइम है बाहर जाने का, तुम लोग तो बचने हो। हालांकि उस टाइम टाइम 5:30 हो रहे थे, धूप मतलब चंगड़ी खासी निकली हुई थी, फिर भी उसने मुझे चंगड़ा खासा डांटा हम दोनों को। फिर हम दोनों वापस चले गए, तो फिर तो हम दोनों तो बैठ गए वापस कमरे में, फिर मैं गेम खेलने लग गया। तो फिर जब सुबह हुई ना, तो मैं जल्दी उठ गया, 7:30-7:30 करीब मैं उठा था, 7:30-8 का अंदाज लगा तब मैं उठा। तो जैसे मैं उठा ना, तो मेरे साथ मैं जैसे गया मुंह धोया, तो मेरे को फिर से कीड़ा जाएगा। मैंने कहा फिर से बाहर चल गया। तो मैंने इस साइड भी देखा, कोई नहीं है। तो मैंने सीधा कर दिया, मैंने कहा चलता हूँ। जैसे मैं चला तो पीछे आवाज़ आई, मेरी फट गई। मैंने कहा कोई ना कोई होगा। जैसे पीछे तक यूनिस था, मेरी जान में जान आई। तो मैंने यूनिस को बोला मैं यूनिस इधर आओ। तो ना यूनिस ने चप्पल पहने थे, क्योंकि मैं मुंह धो के सीधा भागते गया था जैसे कोई मुझे देखे ना। ना मैंने चप्पल पहनी ना कुछ भी है, सिर्फ शर्ट और पैंट पहन के इसमें भाग रहा था। और डोर पे जैसे मुझे यूनिस ने आवाज़ दे दी, शुरू में मेरी फटी, लेकिन मैंने देखा यूनिस है। ठीक है, फिर यूनिस भी अपना बिना जूते पहने हम दोनों जैसे ही बाहर निकले। तो ना मुझे जूते थे ना उसे जूते थे, तो हम दोनों जूते मतलब बिना जूतों के यहाँ से जैसे बाहर निकले। यहाँ तक तो कुछ नहीं था, हमें थोड़ा पत्थर वगैरह पैर पर लगे थे, दर्द हो रहा था, लेकिन बाहर जाने का क्रेज था तो वो महसूस ही नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने जैसे इस उस टाइम मस्जिद हाफ बनी हुई थी, तो मैंने और यूनिस ने जैसे मस्जिद को टर्न किया, तो वहाँ सामने कुत्ते खड़े थे। थोड़ी हमारी फटी, लेकिन हमने सोचा फटने किस बात की, कुत्ते कौन से, क्योंकि हम दादू में रहते थे वहाँ इतना नहीं काटते थे। फिर भी हमारी फट रही थी, मैं थोड़ा थोड़ा साइड होते होते जैसे जले, तो फिर कुत्तों ने ऐसा थोड़ा भौंका, हमने पत्थर उठाया, जैसे पत्थर फेंका वो भाई उनको गुस्सा लगे पता नहीं क्या, तो वो हमारे पीछे आने लगे। ऐसा हमको भगाया। फिर यहाँ पे जो समोसा स्टॉप नहीं है, तो वहाँ पे जाके एक आदमी मिला, उसने ऐसा पत्थर मारा, फिर कुत्ते भाग गए। मैंने कहा हमारे पत्थर में ऐसा क्या था जो उसके पत्थर पे, वो चुप हो गए। फिर मुझे पता चला कि हम लोग नए थे, इसलिए जैसे कुत्ते मतलब समझे चोर वगैरह, लेकिन इतने बच्चे चोर नहीं होते। तो मैंने सीधा हमने कहा अब क्या ले, क्योंकि उस 7:30-8 के करीब कोई दुकान तो उस टाइम खुली नहीं थी, सिर्फ एक ही दुकान खुली थी, वो थी ब्रेड की। तो हम दोनों लोगों ने ब्रेड लिया। तो ब्रेड लेके हम जैसे वापस घर गए, घर बैठा किया तो खाना चाय वगैरह पी, जैसे घर पहुंचे देखा कोई भी नहीं है। हम लोग वहीं पे ब्रेड रखे, सोच रहे थे पैसे जान कर के आए, लेकिन क्या करें वो पैसे वैसे भी हमें खर्ची मिली थी। तो हम दोनों आके रूम में बैठ के गेम खेलने, जैसे किसी को पता नहीं चले हम बाहर गए थे नहीं गए थे। ठीक है, फिर जैसे ही मतलब हुए 10:30-9 के करीब, 9:30-8:30 हो रहे थे, 9 हो रहे थे तकरीबन। तो 9 बजे अबू तो पहले ही उठा था, लेकिन उस टाइम जैसे अबू उठा ना, तो मैंने अबू को देखा, मैं भागते भागते अबू पे गया, जल्दी से चप्पल पहनी, अबू को बोला अबू मुझे लेके चलो। तो हमारा वाड़ा नहीं होता, पैसे वगैरह जा खड़े होते हैं, तो अबू वहाँ जा रहा था। मैंने जिद की, फिर अबू ने बोला चलो मेरे साथ चलते हैं। तो मैं पीछे बैठ गया, तो सुकून हुए हम जे कि जहाँ से वहाँ पे पहुँचे ना, तो मेरे को ना पता नहीं मतलब मैं पहुँचा इतना मज़ा आ रहा था, सुकून आ रहा। तो एक भैंस ना मुझे इतनी अच्छी तरीके से देख रही थी ना, तो मुझे बहुत पसंद आती थी, वाइट भैंस थी, बहुत प्यारी थी और मतलब क्यूट से लग रही थी, दिल कह रहा था उसको हाथ लगा। फिर मैंने मुझे कीड़ा जगह में हाथ लगा, मैं जैसे वहाँ पे गया मैंने उसके मतलब ऐसे ऐसे हाथ किया, उसने कुछ मुझे नहीं किया। मैंने उसके सर पे हाथ लगाया, उसके ऐसे किया, कुछ नहीं किया। जैसे मैंने उसके खाने पे हाथ लगाया ना, तो उसने जैसे मुझे ना ऐसे जो करते ना, उसने तेज तो नहीं मारा लेकिन स्लो मारा, बहुत क्या मारा, मेरी छाती पे लग के मैं नीचे गिर गया। और जैसे ही मैं नीचे गिरा तो मैं रोने लगे। तो वहाँ से सामने से अबू आ रहे थे, तो अबू ने मुझे क्या झकास सुनाई कि उन्हें जा, जब बच्चे हो यहाँ पे नहीं जाते, वहाँ पे नहीं जाते, कम से कम पूछ लिया करो कौन सी क्या है कौन सी क्या नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और रोना आ रहा था, क्योंकि मैं कुछ कर तो नहीं सकता था, तो रोना आ गया। तो मैं साइड पर जाके ना वहाँ ने रोना शुरू हो गया।
तो मैं रोना रोते 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 मेरे अबू ने पूरे वाड़े पे ढूंढा, मैं कहीं पे मिली नहीं। तो सामने सामने ना मोटर के साइड में मैं बैठा हुआ था, रो रहा था। तो अबू ने जैसे आया मुझे उठाया, फिर थोड़ा मतलब क्यूट वर्क किया, मैं कहा स्टेज नहीं करते, मतलब ऐसे ही थोड़ा पचाया उचाया, फिर बाइक पर बैठाया, सीधा घर चले गए। और घर जैसे चले गए तो फिर से मुझे कीड़ा जगा, मैंने कहा फिर से मुझे बाहर जाना है। क्योंकि फिर मैंने जब यूनिस को बोला मैं चल बाहर चलते, यूनिस बोला नहीं यार मुझे डर लग रहा है बाहर चलेंगे कोई देख लेगा ये वगैरह वगैरह, लास्ट टाइम भी कुत्ते पीछे पड़े थे तो यूनिस चलने को तैयार नहीं था, लेकिन मुझे बहुत क्रेज था जाने का बात। तो मैं जैसे ही मतलब फिर उसको मिनते सिंते करके यूनिस को मना के फिर यूनिस ने कहा चलो चलते हैं। तो उस टाइम हम लोगों ने दोनों जूते पहने हुए थे, तो हम जैसे बाहर निकले सीधा ये सामने नहीं है गली, मतलब मेरे घर के सामने तुम लोग क्या बता, तो सामने एक गली थी, तो मैं वहाँ से सीधा सीधा चला गया। हम लोग सीधा गए, फिर आए वापस, जैसे ही घर का दरवाज़ा, क्योंकि हमसे गलती से दरवाज़ा बंद हो गया था, जैसे दरवाजा खोला और वहाँ पे मेरा वही सामने भाई खड़ा था जो पहली बार मैं बाहर निकला था, फिर जो हमारी बेइज्जती हुई। यूनिस तो फटक से रूम पे भाग गया लेकिन मैं फंस गया, तो मुझे थोड़ी डांट वाट पड़ी, थोड़ी मतलब जूते तो निकले लेकिन डांट वाट झकास बड़ी पड़ी थी। सो अच्छी तरीके से डांट वाट पड़ी, फिर मैंने सॉरी बोल बोला, मैं कहा बाहर नहीं जाऊँगा, और फिर मैं सुकून से जाके कम रूम में बैठ गया। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट जर्नी ऐसे हुई थी 2015 या 16 के बीच में ऐसे। सो अगर आपको मेरी स्टोरी थोड़ी सी टाइम पे पसंद आई तो इस वीडियो को 15 लाइक करें। तो मैं अपनी जैसे मैंने गाड़ी सीखी थी जो इंटरेस्टिंग डिस्टिंग मुझे जो समझ आती जाएगी, अगर आप इस वीडियो पे 15 लाइक टारगेट पूरे होते तो मैं अपनी दूसरी स्टोरी भी शेयर करूँगा। सो और मेरा एक नया चैनल खोला है गेमिंग, अगर आपको गेमिंग पसंद है तो उस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें अहमद खान, और मैं मिलता हूँ आपसे अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद आए तो। मैं इसी वीडियो से आपसे मिलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।